नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी धर्मशाला में राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ प्रांत की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरठ प्रांत के 22 जिलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया है। हमारा संपूर्ण भारत वर्ष में ही कम बिहार राष्ट्रीय 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 20 लाख नौजवानों को इस देश की छात्र शक्ति को इस देश के साथ जोड़कर और हम एक विजेता हिंदू को खड़ा करने का संकल्प हमारा है। हमारा स्लोगन है वीर हिंदू विजेता हिंदू। जिस सनातन को चुनौती देने के लिए आज गली मोहल्ले के कुकर मुक्ते खड़े हो जाते हैं, वो सनातन कभी रावण की हुंकार से नहीं मरा और कंस की तलवार से नहीं डरा। उस सनातन को डराने के लिए उदयनिधि जैसे लोग, कुकुर मुत्ते कहूँगा मैं, वो खड़े हो रहे हैं। तो सनातन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और राणा प्रताप और छत्रसाल का ये भारत है, और ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। क्योंकि ये भारत भाव से जो भावनात्मक जो संवेदनाएँ प्रकट करता है वो भारत है। इंडिया तो वो है जिनको नाजायज संतान कहा गया, जिनकी मैरिज माने चर्च में नहीं होती है, जिनकी मैरिज बाइबल नकारती है कि अगर चर्च में नहीं होगी तो इसको मान्यता नहीं है, उसको इंडिया कहा गया। तो यह भारत हम नाजायज संतान नहीं, हमारे पूर्वज राम और कृष्ण और शिव हैं, हमारी देवी अहिल्या होलकर और सावित्री और दुर्गा है, हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? हम नाजायज नहीं हैं। नाजायज तो वो लोग हैं जो हमारे नाम को चुरा कर उदय निधि रखते हैं। संपूर्ण मेरठ प्रांत के 22 जिलों से युवक नहीं कहूँगा, ये धर्म योद्धा हैं जो अपने अपने जिलों का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रांत की टीम है। और यही टीम यहाँ पर 1,25,000 युवकों की भर्ती करके इसे मुजफ्फरनगर में फिर से कोई आतंकी खड़ा ना हो सके, उसकी जीभ को काटने वाले नौजवान खड़े कर रहे हैं।